कोरोना वायरस महामारी के कारण सर्विस और बिजनेस दोनों वर्गों में भारी आर्थिक क्षति हुई है। वहीं मनोरंजन के जगत में भी बहुत नुकसान हुआ है, जहां बिग बजट के साथ कई फिल्मों का निर्माण होने के बाद भी थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई, जिसकी भरपाई होनी बहुत मुश्किल है। वहीं फिल्म मेकर्स अब अपनी नई फिल्मों के निर्माण के लिए सीमित बजट को तय किया है, जहां एक्टर्स के मनचाहे फीस में भी कटौती कर दी गई है। ऐसे में सुनने में आ रहा है कि यशराज फिल्म्स अब सलमान खान को वो फीस नहीं दे पाएंगे जो अब तक दिया जाता था। दरअसल पिछले कुछ दिनों से टाइगर 3 की चर्चा जोर शोर से हो रही है, और ऐसा सुनने में भी आया कि टाइगर फ्रेंचाइजी के सभी कड़ियों से टाइगर 3 के लिए अब तक का हाईएस्ट बजट 300 करोड़ का रखा गया है। लेकिन अब यशराज से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ये कहा गया है कि ये खबर बिल्कुल गलत है। सुभाष के झा ने बताया कि फिलहाल अभी टाइगर 3 के लिए कोई प्लानिंग नहीं हो रही है और अगले 5 सालों तक के लिए किसी भी फिल्म पर इतने पैसे खर्च नहीं किए जाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण अभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भारी मंदी से गुजर रहा है और टाइगर 3 के लिए कभी भी इतना बड़ा बजट नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा गया कि टाइगर 3 के लिए सलमान खान को टाइगर फ्रेंचाइजी की दोनों कड़ियों से कम फीस दी जाएगी, क्योंकि अब कोई भी प्रोडक्शन हाउस ए लिस्ट के एक्टर्स के उन डिमांड को पूरा नहीं कर सकते हैं जो इस महामारी के पहले हुआ करते थे, और यही आज के समय की मांग है। एक्टर सिद्धार्थ किसी न किसी कारण से सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बने रहते हैं। बिग बॉस 13 की ट्रॉफी को जीतने के बाद से सिद्धार्थ की लोकप्रियता कई गुना बढ़ गई है। वहीं सिद्धार्थ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कोई न कोई पोस्ट शेयर करते रहते हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से सिद्धार्थ हमेशा अपने फैंस से जुड़े रहने की कोशिश करते हैं, और उनके फैंस भी उनके पोस्ट पर उनकी तारीफ करते हैं, उनसे प्यार जताते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं। और अब सिद्धार्थ शुक्ला के एक फैन ने उनका एक पुराना ऑडिशन के वीडियो को शेयर किया है, जिसे सिद्धार्थ शुक्ला ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है। इस वीडियो को उनके फैंस सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर रहे हैं। इसमें सिद्धार्थ मस्ती के मूड में दिख रहे हैं, वे किसी मस्ती करने वाले आदमी के रोल का ऑडिशन देते दिख रहे हैं। आप भी देखिए एक दिल फेक आशिक के किरदार को सिद्धार्थ कितने अच्छे से निभा रहे हैं। दुकानदार बोला क्या खाओगे, जो खाओगे मेरी दुकान में पाओगे। तो मैं बोला कुत्ते के खाने का केक है। तो दुकानदार बोला यहां खाओगे कि घर लेकर जाओगे। एक और सुनो, ए चांद तू भी क्या गजब खाता है, बचपन में मामा और जवानी में यार नजर आता है। थैंक यू। अरे यार ये जो ज्योति है ना, उसका भी कुछ समझ में नहीं आता यार, पब्लिक में भाग जाती है, साथ में खड़े रहने को तैयारी नहीं होती। और घर जाओ तो बस इतनी मीठी मीठी बातें करती है। ब्रिज पकौड़े खाओगे। इसके अलावा सिद्धार्थ शुक्ला अभी अपने आने वाले नए म्यूजिक वीडियो दिल को करार आया है के लिए भी चर्चा में बने हुए हैं, जिसके पोस्टर के रिलीज होते ही ट्विटर पर सिद्धार्थ ट्रेंड में आ गए।